आज हम लेकर के आए राइस मिल ट्रैक्टर पे, राइस मिल इंजन पे, राइस मिल मोटर पे, यही साइज पूरे इंडिया में मशीनों का आ रहा है। अच्छा। तो अगर कोई बोले ना कि भैया मेरी मशीन 800 किलो देगी, उनकी 500 किलो देंगी, मेरी ओरिजिनल है तो आपकी डुप्लीकेट है, ये इंची टेप ले जाकर के केवल मशीन नापनी है, इसलिए दिया है ताकि जाल लोहा जाल धान के अंदर कोई भी रहे तो उसको पकड़ ले, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब मशीनों के साथ फ्री मिलता है। बिल्कुल छोटा सेटअप, इतना कम दाम में और इतना सस्ता, और जिसको आपको ना चक्के की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, आराम से केवल उठा करके ट्रैक्टर के पीछे फ्रेम में ले जा करके चला सकते हैं। किसी की डिलीवरी के लिए आई हुई है ये, किसी की मशीन की डिलीवरी के लिए आई हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं जी, देखिए। अच्छा ये वाली दोस्तों, धान मिल की नई वीडियो के साथ आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु नानक इंटरप्राइजेस की नई विंग है पंजाब मशीनरी, उसमें मैं आया हूं आज राइस मिल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, और इसी बीच में बुलाना चाहूंगा सिदक जी को। सिदक जी वेलकम है बिहार स्टोरी मीडिया पर एक बार फिर से। सर पिछले साल राइस मिल में आपने बड़ा धमाका किया था, इस बार क्या करने जा रहे हैं? सर फिर से एक बार धमाके करने जा रहे हैं जी। क्या होता कि पिछले बार हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरी आई थी। अच्छा। और बहुत सारी मशीनें गई भी, और कस्टमर काफी लोग चला भी रहे हैं, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है जी, जी। तो आज हम लोग ये मशीनें जो लेके आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, जैसे राइस मिल तो मोटर पे चली रही थी, आज हम लेकर के आए राइस मिल ट्रैक्टर पे, राइस मिल इंजन पे, राइस मिल मोटर पे, और जो पिछले बार जो मॉडल रह गए थे जो नहीं हम दिखा पाए थे जगह की वजह से, इस एपिसोड में कैप्चर इस एपिसोड में कैप्चर करेंगे। सर भाई राइस मिल मशीन में काफी अपडेट्स आ गए जी सर, मतलब इधर देख रहे हो विगत वर्षों में हर चीज को उसमें बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, मतलब आप उसको चाहे तो खेतों में उतार दें जी, जी। आपके पास बिजली नहीं तो इंजन से चला लें, तो तरह तरह के ऑप्शंस मौजूद हो गए। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? सर आपकी मर्जी, जहाँ से हम लोग सबसे पहले बोला स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए यहाँ से किनारे से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इंजन के अटैचमेंट वाली राइस मिल है सर, तो पहले कौन सी मॉडल है हमारे नए व्यूअर्स को जरूर बताएं। ये आप जो राइस मिल मॉडल देख रहे हैं ये 6N70 मॉडल बोलते हैं इसको। जी ये मॉडल, इसमें आप अरवा धान, उसना धान, सारा तरह का धान कूट सकते हैं इसके अंदर, केवल और केवल आगे की तरफ यहाँ पॉलिशर दिया हुआ है। जैसे पुराने जो हॉलर होते थे उसमें क्या होता था कि धान को कूटने के लिए ना उसकी दोनों तरफ की पत्ती को मिलाने पड़ती थी, इसमें क्या होता है पत्ती मिलानी नहीं करती, यहाँ पे केवल रेगुलेटर दिया हुआ है। अच्छा। केवल इसको हम लोग कसना शुरू करेंगे, हमारा धान जिसमें जैसे मान लीजिए कि 20 नंबर पे या 2 नंबर पे हमारा क्लियर हो रहा है, उस पर क्लियर करके छोड़ देंगे। इससे क्या हुआ ना, जैसे मान लीजिए जो भी किसान भाई हमारे जो बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो ग्राहक का धान कूटते हैं, क्योंकि धान हर तरह का होता है, कोई अरवा ला रहा है, कोई उसना ला रहा है, कोई सोनम, कोई बासमती, कोई श्रमजीरा ला रहा है, तो हर धान को पत्ती मिलाने में जितो जो धान बर्बाद होता था वो धान इसमें बर्बाद नहीं होगा। कारण क्या है, केवल हम लोग हल्का सा रेगुलेटर मिला करके धान एडजस्ट कर दिया और भूसी अलग होने लगी वहाँ पे, और चावल हमारा फ्रेश यहाँ निकलने लगा। पहला चीज तो ये खासियत है ये मॉडल की। अच्छा। ये खासियत, इसके अलावा क्या होता है ना, मार्केट में आजकल मैंने बहुत जगह देखा है कि असली वाली पहचानिए, नकली वाली पहचानिए। भैया असली आप अपने घर पे बना रहे हो, असली आप अपने घर पे बना रहे हो, हम लोग नकली घर में बना रहे हैं, कुछ नहीं है। आप मशीन लेने जाए, मशीन के अंदर यहाँ पे होल दिए हुए हैं, 1 2 3 अच्छा। 4 5 पांच होल है, छठा होल दिखाएगा तो बोलिएगा कि आपकी असली हमारी नकली है भैया। सीधी सीधी बात ये माननी है, राइस मिल का बोलिए तो चैम्बर नाप करके बता देता हूँ, जा करके इंची टेप से नाप लेना, ये मत बोलना कि नकली वाली रहेगी तो 500 किलो निकलेगी, असली वाली रहेगी तो 800 किलो निकलेगी। मशीन का एवरेज 500 से लेकर के 600 किलो धान है तो है, मतलब क्यों है 600 किलो मैक्सिमम धान वो प्रोसेस करेगी। चावल उसमें से कितना निकलता है सर? सर चावल देखिए 70% से लेकर के 75% निकलता है। चावल के टू डिपेंड करता है धान की नमी पे और आपकी मशीन की एवरेज पे, और धान कितना पुराना है, सड़ा हुआ धान है, कैसा धान है, उस पे भी। मतलब 4 क्विंटल से ऊपर आपकी नेट चावल प्राप्ति हो जाएगी सर, 350 किलो से लेकर के 400 किलो। कारण क्या है, ये कम भी हो सकता है, मैं अभी बता रहा हूँ। धान देखिए दो तरह का एवरेज होता है, मैं फिर से बोलता हूँ, या तो कस्टमर जो सुनने आया है वो एवरेज बता देता हूँ कि भैया 1 टन धान निकलेगी, या तो जो मशीन धान का एवरेज देगी वो बता देता हूँ। सही बात है, आप मशीनें बेचते हैं तो आपको आइडिया है कि 5 क्विंटल धान निकलेगी। कारण क्या है ना कि मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी वाली असली है तो मेरी 800 किलो दे देगी, उनकी वाली नकली है तो इनकी 500 किलो देगी। मशीन इंडिया में नहीं बनती है, इंडिया से बाहर से आती है मशीन। मशीन हम लोग यहाँ पे असेंबलिंग कर करके आपको प्रोवाइड कराते हैं, केवल और केवल ये फर्क है। कोई भी इंडिया में मैन्युफैक्चरर नहीं है इस राइस मिल का, 6N70 का, और इसमें मॉडल भी 6N70 आता है। इसको 70 का 80 बोलिए, 90 बोलिए, 200 बोल दीजिए, ये सब आपकी बस कहने की बातें हैं और कुछ मतलब नहीं है।
राइस मिल में आप ये जो मॉडल देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते होंगे टायर काफी बड़े बड़े लगाए हुए हैं। ये तो लगता है कस्टमाइज चक्के, ये कस्टमाइज चक्के मैंने कस्टमर के लिए लगा के दिए हैं, क्योंकि उनका उनका कहना था कि हमको खेतों में मशीन लेके जानी है, छोटे वाले जो चक्के रहते हैं जो कि 8 इंची के रहते हैं या 12 इंची के रहते हैं, वो क्या होते हैं कि पलट जाते हैं या उनका रबर टूट जाता है। ये एयर ट्यूबलेस टायर नहीं है, इसमें ट्यूबलेस टायर हमने लगा के दिया हुआ है, और बेहतर हो गई, और बेहतर हो गई। ये क्या होगा, छोटे मोटे जो गड्ढे रहते हैं उसको आप आराम से टाप सकते हैं और आराम से काम सकते। इंजन के बारे में थोड़ा सा सर बताएं। सर इंजन ये हमारा आइसर का इंजन लगा हुआ है, जो किसान हमारे भाई हैंडल नहीं घुमा सकते। यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट की चाबी दी हुई है, ठीक है। पीछे की तरफ हम लोग हल्का आते हैं, बैटरी लगाने की सुविधा दी हुई है। बैटरी हम लगा के नहीं देते हैं, रीजन क्या है कि बैटरी आप अपने नियर बाई जगह से लीजिएगा तो बैटरी की गारंटी वारंटी बाजार में आराम से मिलेगी और आराम से। डीजल से चलती होगी सर? सही, डीजल चलती है, 1 घंटे में 700 ग्राम डीजल खाती है। 1 घंटे में 700 ग्राम डीजल खाएगी जी, वाह क्या बात है। और प्रोडक्शन तो आपने सर बता ही दिया। सर प्रोडक्शन इंजन पे वैरी कर सकता है, ये 14 HP का इंजन है, वहाँ पे आप जो मशीन देख रहे हैं उसमें 12 HP का इंजन है। ये 14 HP वो 12 HP? वो 12 HP। ये कस्टमर पे डिपेंड करता है कि कस्टमर में से कितने HP का इंजन मांग रहा है। अगर वो 12 HP मांगेगा तो मैं उसको 12 HP आइसर पे दूंगा, अगर आप 14 HP आइसर मांगेगा 14 HP आइसर पे भी दूंगा। चलिए फर्क रेट की बात करें, केवल और केवल 5,000 का है, लेकिन अभी ये आटा चक्की धान कूट रहे हैं, सीजन चेंज हो इसी पे पंजाब मॉडल पलवाइजर चढ़ा करके पलवाइजर भी चला सकते हैं। अच्छा सर, ये इंजन तो आपने सेट किया है जी सर, लेकिन इसको हटा के फिर वापस ट्रैक्टर से भी तो कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अभी मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा। मैं यही राइस मिल मशीन अभी आपको ट्रैक्टर ट्रॉली फ्रेम में भी दिखा देता हूँ जी जी, वो जो कि आप सामने देख लेंगे ताकि आपको आसानी हो जाएगी, अगर कल कोई करना चाहता है वो भी कर सकता है। बनी बनाई चाहिए हमसे बिल्कुल लेके जाइए जी, बहुत। और मशीन के अंदर हम लोग बात करें, मशीन के अंदर जाली आती थी, ये हमारी ओरिजिनल जाली है। ओरिजिनल जाली का पहचान ये होता है कि देखिए हमारे डाले के ऊपर हमने मैग्नेट लगा रखा है, देखिए ये देखिए, ये देखिए नाले के अंदर ये मैग्नेट चिपक नहीं रहा है। ये ओरिजिनल जाली है जो कि 1700, 1800, 2000 तक बाजार में मिलती है, ये भी हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास ये जाली भी है जो कि हमने खुद डिजाइन करके बनाई है। ये आप देखेंगे ना, इसकी मोटाई ओरिजिनल जाली की मोटाई और हमारी जाली की मोटाई में कितना फर्क है, ये बहुत मोटी, बहुत मोटी है। इसके अलावा हमारे किसान भाई का कहना था, क्या फर्क पड़ता है सर, 800 आधी है, आधी के दाम की। अच्छा, और ये हमारी जाली देखिए, जो किसान भाई कहते थे कि भैया आपकी जाली में क्लिप नहीं लगा है तो हमको क्लिप लगा दीजिए, हमने क्लिप लगा के बना ली। मोटाई देख लीजिए फर्क। अच्छा, ओके, इतना ज्यादा फर्क आ जाएगा आपको कम दाम में। इसका दाम भी अच्छा खासा कम है, इसका दाम भी अच्छा खासा कम है। प्राइस आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके लें जी, बहुत बढ़िया। हाँ, और इसके अलावा जाली की लाइफ थोड़ा सा जरूर समझा दें। सर देखिए, धान मशीन जब चलती है ना, मशीन के अंदर कुछ है नहीं, लपेटा और पत्ती लगी हुई केवल। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ जी जी। रिंच लाइए, तो यहाँ से आपने खोला है, खोल के निकालिए सर। सर देखिए, ये मशीन के अंदर दोनों तरफ नट लगे हुए हैं। मशीन के अंदर हम लोग बात करें तो मशीन के अंदर क्या होता है, पहले हम ये दोनों नट खोल लेते हैं। आगे की तरफ ये हमारा ये हॉपर निकल जाएगा बिल्कुल। इसका केवल क्या काम है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पत्ती दी हुई है, इसको दाब को कंट्रोल करना कि इसको हम लोग ढीला कर देंगे तो ये ढीला हो जाएगा तो धान आराम से देखिए निकल रही है ना, और इसको हम टाइट कर देंगे तो ये हमारा आराम से दबेगा नहीं। समझ गए। तो इसका क्या काम है कि धान को अंदर दबा के रखना, जितना दबा के रखे उतना ज्यादा छिलका उसका उतरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मशीन के अंदर, तो मशीन के अंदर देखिए हम निकाल लेते हैं। ये मशीन के अंदर हमारी जाली लगी हुई है, जाली हमारी ये 3 नट में कसी रहती है। खराब होने का रीजन क्या होता है कि जाली के ना, देख आगे की तरफ देखेंगे यहाँ पत्ती लगी हुई है, ये पत्ती भी जो हमारी लगी हुई है ये केवल टाका मारी हुई है। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे एक टाका लगा हुआ, पीछे एक टाका लगा हुआ है। अच्छा। मशीन जब चलेगी तो ये क्या होता है ना, ये जो पत्ती है जाली के अंदर धान को काचती है। अच्छा। ये धान को काचती है तो उसके ऊपर जो भूसी अलग हो जाता है, और ये हमारे 5-6 है, इससे हवा लेता है, यहाँ पे साइक्लोन लगा है और ब्लोअर से हमारी भूसी निकल जाती है। केवल और केवल इतना ही काम है। अच्छा। और अगर मान लीजिए कि हमारी धान की अगर ये पत्ती खराब हो जाती है तो केवल और केवल हम ये पत्ती काट कर करके नई पत्ती वेल्डिंग कर सकते, उससे हमारी सापट फिर से यूज में आ जाएगी, सापट को चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और रही बात जो बोलते हैं कस्टमर की, धान हमारी जाली जल्दी खत्म हो जा रही है। अब क्या हो रहा है ना, देखिए ये जाली है, ये मशीन के अंदर ऐसे लगी हुई है जी, तो ये ऐसे लगी हुई है तो आप देखे होंगे धान क्या सापड़ के आगे लपेटा रहता है, तो लपेटा क्या होता है धान को यहाँ घिसता है, तो ये वाला पोर्शन जल्दी घिसता है हमारी जाली के अंदर, ये जल्दी घिसता है। तो आप 10 से 20 टन धान चलने का बस ये बात की है, चलती नहीं है। अब ये धान की बात करें तो अगर मान लीजिए 1 से 2 दिन आपने जाली चला ली, तो अब मशीन के अंदर जाली जो लगी हुई इस प्रकार से ना, इसको निकाल करके ऐसे पलटी करके लगाएं, उससे क्या होगा कि ये जो लपेटा घिस रहा था एक राउंड में, अब ये घिसेगा तो उससे क्या होगा, जाली की लाइफ डबल हो जाएगी आपकी। अच्छा। ऐसा नहीं कि जाली टूटेगी नहीं, टूटेगी, पलट देना है, केवल पलट देना है, जाली की लाइफ डबल हो जाएगी। अच्छा। अब इसके बाद हम लोग बोलते थे कि हम लोग पहचानेंगे कैसे भैया नकली है, नकली है, तो देखिए सर बता दीजिए हमारी और असली, इसको इंची टेप कहते हैं, ये यूनिवर्सल साइज होता है, पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में एक ही साइज से आएगी। राइस मिल ओरिजिनल पहचानी है,
800 किलो निकलेगी, 500 किलो निकलेगी, यहाँ पे इंची टेप रखना है, देखिए जी यहाँ पे इंची टेप रखना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 इंची में थोड़ा सा फर्क है रेट, थोड़ा सा बस फर्क है, हम लोग बात कर रहे हैं तो 9.4 है, यही साइज पूरे इंडिया में मशीनों का आ रहा है। तो अगर कोई बोले ना कि भैया मेरी मशीन 800 किलो देगी, उनकी 500 किलो देंगी, मेरी ओरिजिनल है तो आपकी डुप्लीकेट है, ये इंची टेप ले जाकर के केवल मशीन नापनी है, मतलब ये सब केवल बेचने के जुमले हैं सर। असली नकली का रायता फैला दो तो फिर उसके बस उस समय देखिए एक दूसरे को साबित करने में लग जाएंगे बस साबित। भैया मैं बोल तो रहा हूँ मशीन चाइना से आती है और क्या बोल दूं, नहीं मशीन सारी एक है, सारी एक है, कोई फर्क नहीं है, केवल और केवल आपको समझने का फर्क है। ये तो बहुत बढ़िया सर आपने बताया, और एक सिस्टम और बता दूं कि इसमें मैंने बड़ा अच्छा मैग्नेट देखा, जरा सर निकालिएगा सर, देखिए ये मैग्नेट है ना सर, ये बहुत बढ़िया, ये जो भी कस्टमर हमारे से लेते हैं मैं उनको ये गिफ्ट देता हूँ, केवल और केवल ये गिफ्ट देता हूँ, इससे ज्यादा बड़ा गिफ्ट देने के हमारे पास हैसियत नहीं है, ना ही मैं बोलता हूँ कि मैंने पहले ज्यादा ले लिया था मैं वापस कर रहा हूँ। बहुत जरूरी काम था और ये आपने बड़ा अच्छा से ये कर दिया कि कम से कम कंकड़ पत्थर से बचा रहे, दिया है ताकि जाल लोहा जाल धान के अंदर कोई भी रहे तो उसको पकड़ ले, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब मशीनों के साथ फ्री मिलता है। अच्छा तो ये बताएं सर, अब इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग कर लें, क्या इस पे क्या खर्च गिरने वाली है इस राइस मिल पे? सर राइस मिल की खर्च की बात करें तो राइस मिल का खर्च जो पहले रेट था वही है, आइसर इंजन का रेट बढ़ा दिया, ट्रॉली का रेट बढ़ा दिया, अब आप ट्रॉली कस्टमाइजेबल लीजिएगा, हमारे से बड़े चक्के का लीजिएगा तो उसका अलग रेट लगेगा, इंजन 14 का लीजिएगा तो अलग रेट लगेगा, 12 एचपी का लीजिएगा तो अलग रेट लगेगा। फोन पे ही डिस्कस कीजिए दिए गए नंबर पे, ज्यादा अच्छा रहेगा, फोन पे भाई डिस्कस कर लीजिएगा, सही बात है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के सारे रेट्स हैं। और ये वाली भी बताएं, ये वाली राइस मिल जो है इसमें पूरा अटैचमेंट आपने लगाया हुआ है, देखिए ये लगता है कि सब सेमी ऑटोमेटिक बना दिया आपने। सर सेमी ऑटोमेटिक जो राइस मिल का प्लांट होता है वो उतना सारा काम करके देती है, सीधी सी बात है, धान हमको यहाँ पे डालना है, धान इसमें डाल देंगे, ये धान यहाँ हमको एलिवेटर है, एलिवेटर धान हमारा ऊपर ले जाएगा, ऊपर झरना लगा हुआ है जी। जैसे क्या होता है ना कि हमने मैग्नेट तो दे दिया लेकिन गिट्टी पत्थर तो नहीं रोक पाएगा ना मैग्नेट, गिट्टी पत्थर से बचाने के लिए हमने यहाँ पे आपका वो दिया हुआ है ताकि एलिवेटर चलता रहे, धान झड़ती रहे, धान झड़ने के बाद यहाँ पे डाला दिया हुआ है, डाला यहाँ पे डाला दिया हुआ है, ये डाले के अंदर धान जलेगी, उसके बाद आगे हमारा रेगुलेटर दिया हुआ है, जिस तरह से हमने उसमें धान मिलाई थी केवल इसमें धान ऐसे यहाँ पे हल्का सा मिला देना है, मिलाने के चावल हमारा निकल जाएगा, फिर यहाँ चावल जो निकलेंगे टुकड़ी चावल अलग, खड़े चावल अलग, बिल्कुल छोटे अलग। अच्छा मोटर हमारी वहाँ 10 एचपी की लगी हुई है, जो भी किसान भाई अगर चाहते हैं कि अगर धान चला के देखें तो धान हमारे लिए गोडाउन लेकर के आई है, मशीन का डेमो करके दिया जाएगा, पूरा सिस्टमैटिक हो गया, पूरा सिस्टमैटिक हो गया जी, सही बात है, बहुत अच्छा। और ये वाली भी तो सेम ही मॉडल है सर? सर सेम मॉडल है, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें बड़े चक्के लगे हुए हैं, ये देखिए ओरिजिनल यही है, ओरिजिनल ये चक्के आते हैं सर। अच्छा छोटे, लेकिन कस्टमाइजेबल आप जैसा चाहेंगे वैसा करके, लेकिन ये मुड़ेंगे मुड़ेंगे है नहीं सर, ये प्रॉपर नहीं है, अगर हम प्रॉपर बात करें तो वो बड़े चक्के चलने वाले हैं, ये भी हमारा 12 एचपी आइसर में है सर, ज्यादा फर्क नहीं आता है ट्रॉली में, 3-4 हजार का फर्क है, अगर आप थोड़ा सा पैसा लगा सकते हैं तो बड़े चक्कों में लीजिए हमसे, अगर थोड़ा सा बजट कम है तो छोटे चक्कों में लीजिए, तो ये आप आइसर में देख रहे हैं, इसके अलावा अगर आपको किलोस्कर मोटर इंजन पे चाहिए किलोस्कर पे लीजिए। आइसर रिकमेंड करने का रीजन क्या है कि आइसर आप इससे कल को तेल मिल भी चलाएंगे आराम से चलेगी, आटा चक्की चलाना चलेंगे आराम से चलेगी, अल्टरनेटर चलाना चाहेंगे अल्टरनेटर आराम से चलेगा। पंजाब मशीनरी से जो राइस मिल लेंगे सर, राइस मिल आज के डेट में बहुत लोगों जो है इस फील्ड में आ गए हैं, बेच भी रहे हैं, तो क्या आप आश्वासन देंगे कि बाकी सब लोगों से यहाँ किफायती दर पे आप उनको? नहीं, हम बिल्कुल आश्वासन नहीं देंगे कि भैया पहले आप मार्केट में रेट पूछ के आइए, उससे 10,000 कम दूंगा, मेरा एक रेट है मैं वही रेट में दूंगा। फोन पे क्लियर कट हमारे यहाँ बात होती है, ये नहीं होता कि पहले उनसे रेट लेकर आइए, उनसे मैं 10,000 मतलब जो 10,000 कम करेंगे पहले आप 10,000 बढ़ा के बेच रहे हैं। चलिए भाई वो आप डिस्कस करें इनसे, और ये जरूर बता दें राइस मिल में जो सर्विस मेंटेनेंस की क्या आपकी जिम्मेदारी रहेगी? सर देखिए स्पेयर पार्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं, मशीन मैकेनिकल पार्ट है, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। जहाँ तक बात रही सर्विस की, स्पेयर पार्ट्स आपको हम बढ़िया प्राइस में बढ़िया सामान हम प्रोवाइड करते हैं, स्पेयर पार्ट्स एनी टाइम अवेलेबल है, अगर आपने मशीन हमारे यहाँ से नहीं ली है स्पेयर पार्ट्स लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क करें, स्पेयर पार्ट्स आपको जो रेट में हम लोग कस्टमर को देते हैं वो रेट में आपको भी प्रोवाइड करेंगे, इसमें कोई हमको किंतु परंतु नहीं कि मशीन कहाँ से लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर एक और हम सवाल, जो आपने बात की कि इस राइस मिल को हम ट्रैक्टर से कनेक्ट करेंगे, तो ट्रैक्टर से कनेक्ट करने के लिए भी एक इक्विपमेंट की जरूरत होती है, उसकी ट्रॉली होती है जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर की होती है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? सर पहले क्या होता ना, ट्रैक्टर के अंदर लोग ट्रॉली बना रहे थे, बड़े बड़े चक्के लगा रहे थे, ये करना पड़ता था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपना बिल्कुल छोटा सेटअप, इतना कम दाम में और इतना सस्ता, और जिसको आपको ना चक्के की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, आराम से केवल उठा करके ट्रैक्टर के पीछे फ्रेम में ले जा करके चला सकते हैं। किसी की डिलीवरी के लिए आई हुई है ये, किसी की मशीन की डिलीवरी के लिए आई हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं जी। देखिए अच्छा ये वाली ये वाली देखिए ये वाला आपने पूरा
सेट करा के ही मंगा दिया, पूरा स्ट्रक्चर ही बना दिया सर। आगे की तरफ यहाँ पे 2 इंची का धुरा लगा दिया हैवी ड्यूटी, यहाँ पीछे 16 इंची की पुली लगा दी। जी जी, 16 इंची की पुली इसलिए लगा दी क्योंकि ट्रैक्टर का पीटीओ शाफ्ट 540 पे चलता है। अच्छा, ऊपर पीछे 4 इंची की पुली है, बेल्ट चढ़ जाएगी, पीछे कनेक्टिंग रॉड डाली हुई है हमने और एक क्रॉस दे देंगे, आपका सारा काम क्लियर हो जाए। जी, तो मतलब कुछ करना ही नहीं है, सीधे इसको उठाइए और ट्रैक्टर से जोड़ दीजिए, है ना? कुछ नहीं करना सर। तो वो भी जो भाई परेशान होते थे कि भाई अब इसके लिए वेट करना पड़ जाए, क्योंकि सीजन में सर समय बर्बाद होता है, सर समय बहुत बर्बाद होता है, इसलिए तो बनवा करके दे दीजिए, एक बार आइए ले जाइए बस। वाह, बहुत बढ़िया। तो भाई राइस मिल से रिलेटेड सारे सॉल्यूशन, सारे जो मॉडर्न मशीनरी हैं, सारा यहाँ पे मिलेगा। और यही नहीं है, केवल राइस मिल ही नहीं है, आप विजिट करें, यहाँ पंजाब मशीनरी का ये गोदाम है जहाँ पर देख सकते हैं बहुत तरह की मशीनें हैं, ऑयल मिल से लेकर के हर एक लघु उद्योग के छोटे बड़े मशीन यहाँ पे अवेलेबल है। और मैं चाहूँगा कि एक बार लोकेशन शेयर कर दें सर, यहाँ कैसे पहुँचे? देखिए, अगर किसी को आना चाहते हैं ये गोडाउन पे हमारे, ये पंजाब मशीनरी है, ये गोडाउन हमारा पटना में बहुत ही फेमस है, शीतला माता का मंदिर। या तो अगर आप पटना जंक्शन से आ रहे हैं तो वहां से आप बैठ करके अगम कुआं बोल करके अगम कुआं मंदिर पे उतर जाइए नीचे, और हमारे दिए गए नंबर संपर्क करिए, आदमी हमारा रिसीव करके आपको यहां ले आएगा। ये केवल अगर हम लोग बात करें गांधी सेतु पुल से तो 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और अगम कुआं शीतला मंदिर से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे। बहुत लोकेशन पे सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी चीज़ें जो हैं सर से बात करें, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, और पर्सनली विजिट करें, बहुत अच्छा कमाई होगा, सीजन शुरू हो गया है। और मैं चाहूँगा कि इस राइस मिल से आपके घर में लक्ष्मी धन धान्य से भरपूर आप रहें। जी सर, मिलेंगे फिर आपसे किसी नई जानकारी में, लेकिन जो हमारे दोस्त नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।